अक्सर बच्चों को वो सिया धागे गले में डाले मैंने देखे और कुछ बच्चों को मैंने कड़े भी पहने हुए देखा है। ये आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त नहीं आ जाती है पहले, ये आहिस्ता आहिस्ता आ जाए। इसके अर्थ बना कृषि क्वेश्चन केसरते पों, केसरते पों आसन, इसको आप ऊपरी सतह पे नहीं देख सकते। इसके लिए काम करना है जवानों को। अभी यहां सया आ रहे हैं, आप जवानों को अपने लिए फर्ज करना चाहिए कि आप मुख्तसर एक पेपर पे पंपलेट पे एक छोटा सा पंपलेट हो उस पर आप सयाओं को बता दीजिए कि हमारा मसला क्या, हमें क्यों जेल ले जाया जा रहा, हम पर क्यों गोलियां चलाई जा रही, हम पर क्यों लाठीचार्ज किया जा रहा, हम पर क्यों टीयर गैस शेलिंग होती, हमको हमारे बाजू क्यों तोड़े जाते हैं, हमारे जवानों की आंखें और उनके सर क्यों फोड़े जाते हैं। तफसीर से लिखिए हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, और सया को उसको उसके साथ हुस्न अखलाक से पेश आइए, उससे कहिए कि आप यहाँ सैर करने आए हैं, आपका वेलकम, मगर हमारी तरफ से ये एक पर्चा भी आप पढ़िए, हमारा क्या हाल है। तो ये लेकिन ये काम नहीं आप करेंगे, नारे तो देंगे आप हम क्या चाहते हैं आजादी, लेकिन इसके लिए जो काम करना होता है ना वो काम आप नहीं कर। और फिर मैं ये भी कहूंगा कि जवानों में हमारा जज्बा मुबारकबाद, मैं दिल की गहराइयों के साथ मुबारक देता हूं बगैर किसी तसन्नु के, बनावट के, मुबालगा आराई के, अपीजमेंट के, नो नॉट एट ऑल, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, हम डिसिप्लिन नहीं, वी आर लैकिंग द डिसिप्लिन। आपने देखा जापान में हिलाकत खैर सैलाब आया, जलजला आया, कहीं आपने धींगा मुश्ती नहीं देखी, कहीं आपने वहां इनडिसिप्लिन नहीं देखा। और मैंने खुद देखा है टीवी पे जब पोप अव्वल रेहलत कर गए, जान पोप पाल, 20 लाख लोग जमा थे, 20 लाख पोप जान पोप, मैंने खुद देखा टीवी और मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि 20 लाख लोग किसी का सर या शाना फांद कर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं। हमारे यहां 20 लाख का मजमा हो और फिर आपके यहां धींगा मुश्ती ना हो जाए तो सोचा भी नहीं जा सकता। तो डिसिप्लिन कायम करें, मैं इसलिए कहता हूं कि सबसे ज्यादा आपके इनडिसिप्लिन का मैं शिकार हो जाता हूं। और आप जब मैं आपको कहता हूं रोकता हूं तो कहते हैं ऐसा सी मोहब्बत, ये मोहब्बत चुप कौन सुन मोहब्बत ऐसा सी मोहब्बत। बहरहाल डिसिप्लिन और अपनी तहजीब का तहफ्फुज़, ये टारगेट। उर्दू जुबान को भारत में देश निकाला दिया गया, आप जानते हैं, यानी यूपी उर्दू की जन्मभूमि है, लखनऊ और फिर दिल्ली। लेकिन आज आप देखेंगे खुद मुसलमान नौजवान, मुझसे कई नौजवान मिले हैं, मैं उनसे कहता हूं कि वो किताब पढ़िए, कहते हैं हम उर्दू नहीं जानते। ये क्या है, एक मंसूबा, बहुत बड़ा मंसूबा, बहुत खतरनाक मंसूबा, क्या कि उर्दू को खत्म करो पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में खास तौर, यहां यूनिवर्सिटियों के जो चलाने वाले हैं, कॉलेजों के, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के, उनको कहो उर्दू के साथ, उर्दू पढ़कर तुम्हें कहां रोजगार मिलेगा, अंग्रेजी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, रोजगार मिलेगा। और जिस जुबान से रोजगार छीना जाए वो जुबान आपके साथ, आपका उसके साथ कितना भी प्यार हो लेकिन वो जुबान जिंदा नहीं रहेगी। जुबानें जिंदा रहती हैं जब उनके साथ रोजगार वाबस्ता हो जाता है। अंग्रेजों की जुबान क्यों फैली है यहां, इसलिए कि उन्होंने उसके साथ रोजगार वाबस्ता किया। तो उर्दू आप लोगों के रहम करम पर है कि आप उर्दू बच्चों को पढ़ाइए, खुद पढ़िए,
اگر آپ خدا نہ خواستہ اردو زبان سے محروم ہو گئے میں آپ کو متنبع کرتا ہوں کہ تمام دینی لٹریچر سے آپ محروم ہو گئے. عربی اور فارسی تو اس کا تو جنازہ نکالا جا چکا ہے یہاں پہلے ہی, لیکن اگر آپ اردو بھی خدا نہ خواستہ ہماری غفلت کا شکار ہو گئی تو جتنا بھی لٹریچر ہے ہند پاک میں, بنگلہ دیش میں, اور خاص طور جموں کشمیر میں اردو زبان میں تفسیریں ہیں, دینی لٹریچر ہے, تو آپ کیا پڑھ سکیں گے؟ تو لہذا اردو, باقی زبانیں بھی پڑھیے, اللہ تعالیٰ کسی زبان سے تنفر نہیں رکھتا ہے یا کوئی عداوت نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. سورہ روم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے, تمہارے مختلف رنگ ہیں, تمہاری مختلف زبانیں ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی نشانیاں ہیں جاننے والے لوگوں کے لیے. اس لیے اسلام کسی زبان سے نفرت برتنے کی اجازت نہیں دے, لیکن وہ زبان جس کے ساتھ ہمارا دین وابستہ ہے, ہماری تہذیب وابستہ ہے, ہمارا کلچر وابستہ ہے, اور ہماری آنے والی نسل کی تہذیب اور ان کا دین وابستہ ہے, اس کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے. بہرحال یہ آج کا موضوع تھا, اور اس موضوع پر بہرحال آپ نے بڑی معنی خیز اور نہایت ہی تعمیری باتیں سنی ہیں, اور میں صرف یہ گزارش کروں گا, درد مدانہ اپیل کروں گا کہ ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک عمل نہ کیا جائے تو محض سننے سے ہی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. تو یہ مسئلہ ہے, ایک تو یہ جیلوں کا قیدیوں کا مسئلہ ہے. ہم حکومت سے کہیں گے کہ یہ جو جیلوں میں آپ لوگ ہمارے لوگوں کو سڑا رہے ہیں, خاص طور جوانوں کو, ان کو فوری طور رہا کیا جانا چاہیے. کالے قوانین کا نفاذ, جیسے ڈاکٹر جاوید صاحب نے آپ کو بتایا کہ افسپا کا اور پبلک سیفٹی ایکٹ کا اور دوسرے جو ڈرکونین لاز ہیں ان کا ان کے وڈرا کرنے کا, ان کو ختم کرنے کا مطالبہ ہم بہت دیر سے کر رہے ہیں. ہم بار بار اس مطالبے کو دہراتے رہیں گے جب تک حکومت اس پر عمل نہ کرے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اور اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ نہ صرف وادی میں, بلکہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم پونس, راجوری, ڈوڈا, ڈوڈا, بدروا, بانہال, وہاں تک بھی لوگوں تک پہنچ سکے, اور وہاں بھی ایک طرف وہ فرقدارانہ میل ملاپ اور بھائی چارے کی قدروں کو ہم اجاگر کریں گے, اور پھر دوسرا یہ کہ وہاں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان پر بھی بات کریں گے, اور وہ جو جدوجہد آزادی کے ساتھ وابستگی کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کا ہمارے پاس کوئی یعنی وہ اطلاعات ہمارے پاس نہیں آتی ہیں, ہمیں امید ہے کہ ہم وہاں تک بھی جائیں گے. تو وادی سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اپنے پروگرام کو وسیع کرنے کے لیے, اور جیلوں میں پڑے ہوئے ہمارے جوانوں اور جو قیدی لوگ ہیں ان کی رہائی کے لیے. تو 14 مئی سنیچر کو ہم پوری وادی میں, بلکہ جموں صوبے کے لیے بھی مکمل اور امن اور ہمگیر ہڑتال کی کال دیتے ہیں 14 مئی سنیچر وار. تو اس کے لیے آپ لوگوں نے ابھی سے کام کرنا ہے, ٹرانسپورٹرس کو سب ملنا ہے, جو ٹریڈرس برادری ہے ان کو ملنا ہے, اور آٹو رکشہ والے جو ہیں ان کو ملنا ہے, تاکہ ہڑتال جو ہے یہ مؤثر بھی رہے, ہمگیر بھی رہے, اور سب سے زیادہ پرامن رہے, تاکہ یہ پرامن رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کام ہمیں کرنا ہے, ہمیں یہ پروگرام آگے لے جانا ہے. تو اس لیے یہ تو 14 مئی کا پروگرام ہوا, اور پھر تمام ضلعی صدر مقامات پر جلسے ہوں گے انشاءاللہ, ہر ضلع میں جلسہ ہوگا, اور پہلا جلسہ ہم کریں گے انشاءاللہ 13 مئی 2:30 بجے شوپین میں. انشاءاللہ ہم نے 2009 میں بھی شوپین سے ہی آغاز کیا تھا, اب بھی ہم انشاءاللہ شوپین سے آغاز کریں گے. یہ 13 مئی کی تاریخ آتی ہے, اور اس کے بعد دوسرے اضلاع میں بھی انشاءاللہ ہم یہ پروگرام جاری رکھیں گے, اور ہم یہ بالکل یعنی بغیر کسی بناوٹ کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نہایت پرامن, پروقار اور منظم طریقے پہ ہمارے پروگرام رہیں گے, اور ہمارا جو بنیادی مطالبہ ہے
कि जम्मू कश्मीर पर जो भारत का फौजी कब्जा है उस कब्जे को खत्म किया जाए, फौजी इनखला हो और यहाँ जो काले कवानीन का नफाज है उसको उनको खत्म किया जाए और फिर कैदियों को रिहा किया जाए बगैर किसी ताखीर के। तो ये सारी बातें जो हैं हम अवामी सपोर्ट हासिल करने के लिए हर जिले तक जाएंगे। मोहतरमा जमरुद्दा हबीब साहब हबीब साहबा ने तो एक बात कही है कि भाई ये जो वो कैदी हैं हमारे जिनको मौत की सजाएं दी गई हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि हम उनकी उनकी केसेस की कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने सवाल पूछा कि इस सिलसिले में हमें बताया जाए कि पेशरफ क्या हुई है, इस सिलसिले में क्या उनकी कुछ मदद हो रही है या नहीं। मैं आप सब लोगों को आगाह कर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में इंसाफ हासिल करना बहुत कीमती बन गया, बहुत कीमती। गोया हम जैसे लोगों के लिए हिंदुस्तान की अदालतों से इंसाफ हासिल करना करीब करीब नामुमकिन बन चुका है। इतना महंगा है हिंदुस्तान में इंसाफ हासिल करना। मैं आपको मिसाल दूंगा कि इसी केस में जिनको मौत की सजाएं बोली गई हैं, वो उस केस को पढ़ने के लिए, वो फाइल पढ़ने के लिए वकील ने 5 लाख रुपए दिए, सिर्फ फाइल पढ़ने के लिए। और जब वो पैरवी के लिए कोर्ट में आएगा तो 5 लाख के बगैर वो अपने दफ्तर से नहीं उठेगा। तो ये लोग अंदाजा करें, हमने कमिटमेंट की है इंशाल्लाह, हम हर कीमत पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारी कमिटमेंट पूरी हो इंशाल्लाह। लेकिन हमारी कौम जो है वो इस सिलसिले में बहुत ही गफलत बरतती, बहुत गफलत बरतती। देखना ये है कि भाई दिल्ली का एक तरफ से हमारे जो ये सजा याफ्ता लोग हैं और हर इतबार हर कैदी की ये फितरत है, वो चाहता है कि नहीं मुझे कोई कामयाब वकील मेरे केस की पैरवी करे। लेकिन बड़ा वकील, कामयाब वकील, शोहरत याफ्ता वकील, उसका हाथ मैंने बता दिया कि फाइल पढ़ने में वो 5 लाख रुपए लेगा। हमने दिए हैं 5 लाख, फिर उसने फाइल पढ़ी और उसके बाद जो तारीख पेशियां हुई, शायद अब तक हम वो 5 लाख रुपए ना दे सके, शायद और कई जो पेशियां हैं वो मिस हो गई, हम इसका एतराफ करते। लेकिन बहरहाल मैं अल्लाह की मदद और नुसरत के सहारे आपसे आपके सामने फिर इकरार करता हूं कि हम इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेंगे कमिटमेंट पूरी करने। लेकिन कौम को भी बहरहाल अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए कि हम किस गफलत में हैं। हम वाजवान पे कितना खर्च करते हैं, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में कितना खर्च करते हैं, हमारे कितने यतीम हमसाहगी में होते हैं, कितनी बेवाएँ हैं, कितने लोग जेलों में हैं और कितने लोग सूदखारी में मुब्तला हैं, कितने लोग शराबखोरी में मुब्तला हैं, कितने लोग मुनशियात के आदि बन चुके हैं और कितने लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ये मसाइल हैं जिन पर आपने सोचना है। इन मसाइल से आप लोग अपने आप को अलग नहीं कर सकते। लीडरशिप का फर्ज होता है कि वो आपको दुराहे पे सही रास्ता बताए, ये उसकी जिम्मेदारी। चलना तो आपका काम है, दुराहे पे पहुंचकर ये आज जिस सूरत हाल से हम दोचार हैं, दुराहे पे हमें सही रास्ता नहीं दिखाया गया। 47 में दुराहा आ गया कि कहां जाएंगे, हमारी सही रहनुमाई नहीं है। आप लोग इत्तफाक करते हो या नहीं करते? तो लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि भाई दुराहा आ जाए वो रहनुमाई करे, और जब वो रहनुमाई करे तो फर्ज किनका बनता है चलने का, कौन का? तो आप जब चलेंगे नहीं तो आप सही मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हम इंतबाह करते हैं, आपको बाखबर करते हैं खतरात से, बहुत जबरदस्त खतरात है। मैंने कल भी वहां बटमालू में कहा है कि पाकिस्तान चार तरफ से खतरात में घिरा हुआ, चार तरफ से। उनकी अपनी गलतियां हुक्मरान की, काश 9/11 के बाद उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर ना किया। हमने कहा भी था, मैंने किताब से लिखा है पश्चिमायत का, उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुआ, मैंने कहा था ऐसा नहीं करना चाहिए था पाकिस्तान हुक्मरान।
लेकिन बहरहाल वो उसी के तर्क और कड़वे कसेले मेवे आज खा रहे। बहरहाल फिर भी हमारी दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, उसको मुनाफिकीन के शर से और जालिमों के शर से महफूज रखे, और हमें भी अल्लाह ताला मदद करे, हमारी कमजोरियों को दूर करने की हमें हिम्मत और हौसला अता करे, और हमें भी अल्लाह ताला भारत के पंजे इस्तेदाद से जल्द जल्द आज़ादी अता करे। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वा आख़िरु दावाना अल हम्दुलिल्लाह।